हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनल विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड. ऑफन कॉल्ड एज द डे ऑफ गर्ल्स, दिस डे अक्टूबर 11th इज डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO. इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज द डे ऑफ गर्ल्स. इट वॉज इंटेंडेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ इशूज विच गर्ल्स ऑल ओवर द ग्लोब फेस, such as education, nutrition, child marriage, forced child marriage, legal and medical rights. Now let's have a look at Nari Shakti. The Oxford Dictionary declared Nari Shakti as the Hindi word of the year in 2018. प्रतिवर्ष ऑक्सफर्ड डिक्शनरी द्वारा एक ऐसे शब्द का चयन किया जाता है जिसका पूर्व वर्ष में बोलबाला रहा हो. साल 2018 में नारी शक्ति इस संस्कृत शब्द का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चयन किया गया. इसके पीछे के मुख्य कारण कुछ इस तरह से थे. पहला है द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू बैन द कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक. तीन तलाक इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया. द सेकेंड वॉज द अलाउंस टू द गर्ल्स एंड वुमेन इन टू द साबरीमाला टेम्पल इन केरला. केरला के साबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई. तीसरा था अलाउिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इन कम्बैट रोल्स इन आर्म्ड फोर्सेस. भारतीय सशस्त्र दल में महिलाओं को युद्ध की भूमिका निभाने के लिए अनुज्ञा दी गई. और चौथा है लिफ्टिंग द बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन इनटू हज विदाउट ए मेल कंपेनियन. बिना किसी पुरुष साथी के साथ आज महिलाएं हज यात्रा करने के काबिल हुई है. और ये सब कंटिन्यूस सपोर्ट हमारे पूरे देश के महिलाओं द्वारा सपोर्ट के वजह से हमने ये चार चीज़ें अचीव की है. लेकिन अभी भी कुछ लड़ाइयाँ हैं जिन्हें अभी हमें लड़ना है, और ना सिर्फ लड़ना बल्कि जीतना भी है. क्योंकि आपने वो सुना ही होगा, हिम्मत ए जनाना तो मदद ए दुर्गा माँ. देखते हैं वो जो जिन्हें हमें अभी भी लड़ना है जिनसे. फर्स्ट वन इज़ द सेक्सुअल ऑफेंस. मेनी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड आर वल्नरेबल टू एक्ट्स ऑफ सोशल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, एंड द परपेट्रेटर्स ऑफन गो अनपनिश्ड. NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, इट रिवील्स दैट वन रेप हैपन्स एवरी 16 मिनट्स इन इंडिया. कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिन्हें किन्हीं कारणों की वजह से रजिस्टर ही नहीं कराया जाता ऑन द नेम ऑफ ऑनर. ऑनर के इसमें एक फैमिली की इज्जत, और इफ़ पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं कि इसको कंप्लेंट लॉन्च करनी है, देन सम लाइक पुलिस ऑफिसर्स डोंट एक्सेप्ट देयर केस, एंड मेनी रीजंस आर देयर. सो आई जस्ट वांट टू से देयर आर मेनी केसेस विच आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, एंड दी रिपोर्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड केसेस. एंड इवन इफ द केसेस आर रिपोर्टेड, द कन्विक्शन रेट ऑफ रेप्स इन इंडिया इज ओनली 27.8%. दैट इज ओनली 28 people out of 100, those who commit such crimes are convicted. Hence we need to revise laws and make the other problems which need to be addressed are breast ironing and female katna. Breast ironing, the first one, it means the flattening of breast by using hot rod as shown in the figure in order to discuss puberty of females. This is practiced in some parts of the world in order to protect the female child or the puberty reached females from outside threats. But and the second thing is female katna. It means complete removal of external genitalia in the name of purity, modesty and beauty. So these are really terrible, that women are so much in a terrible situation in the name of beauty, modesty and purity. We have to address this problem by uniting together. It may take time, but it will bring a huge difference to our lives. And we have to raise this issue. We have to support those who raise issue. And at lastly, I would say, Harlo Teri Chalel, Maidan Matra Gajavta Ala Paije. Thank you.